आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। इसके लिए हमें चाहिए, हमने एक लौकी ले रखा है, उसको काट के कद्दूकस करके उसमें पानी निकाल के रखा हुआ है। दो उबले हुए आलू, दो टमाटर, एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो चार लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक कटोरी बेसन, कटोरी मैदा, थोड़े से काजू, दो चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पंच फुटन। पहले हम कोफ्ते के बॉल्स तैयार करते हैं। लौकी, प्याज, आलू, बेसन, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, इसको मैश करके डो बना देंगे। इसमें पानी नहीं ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लौकी में अपने आप वो पानी निकलता है। डो तैयार हो गया। अभी बॉल तैयार हो गया, इसे फ्राई कर। कढ़ाई में हम तेल ले चुके हैं, गरम हो चुका है। अब हम बॉल्स को डाल के फ्राई करते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब बॉल्स तैयार हो गए, इसको निकाल देंगे। देखिए बॉल कितने सुंदर दिख रहा है। चलो, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसे मिक्स करेंगे, इसकी प्यूरी बनाएंगे। प्यूरी तैयार हो गई। अब हम कढ़ाई में दो चम्मच तेल लेंगे। अब हम पंचफुटन डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम प्यूरी डालेंगे। मसाला हो गया, इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरे लौकी के कोफ्ते अच्छे लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।